मेरा नाम आनंद स्वरूप, पिता मिस्टर अरविंद कुमार, घर त्रिवेणीगंज सुपौल, के एन एम यू खड़कीब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और मेरे को यहाँ बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्टल में रह रहे हैं लेकिन खाना तो मिल रहा है हॉस्टल मेस वाले को, जिनके मेस नहीं है उनके प्रॉब्लम है। यही एक ही उम्मीद है सरकार से, तो हम लोग को जल्दी बाहर निकालें, कुछ करें बस। कि हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बात हुआ कि उन लोग के बगल में भी बमबारी हुआ है, उन लोग बंकर में छुप है, वो बंकर के पीछे बमबारी हुआ है, उन लोग बहुत डर गई है और दो तीन दिन का ही खाना बचा हुआ है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मेरी बेटी को और जितना स्टूडेंट है वहाँ सबको किसी तरह भारत पहुँचा दे। मामला यही है जो वहाँ अभी बम ब्लास्ट हो रहा है, लेकिन बहुत हालत उस लोग का ख़राब है, लेकिन यही भारत सरकार से उम्मीद करते हैं जो मेरे बेटा को वापस भारत ले आए, सही सलामत पहुँचा देगा तो अच्छा होगा। बातचीत हुई है बेटा से? नहीं, आज व्हाट्सएप पर हुई अभी एक घंटा पहले, कोई रिप्लाई अभी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत डरा हुआ है वो लोग। सरकार से क्या मांग है? खाना पीने के लिए बहुत दिक्कत है, वो लोग का पानी भी वहाँ नहीं है। सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं मेरे बेटा को वापस ले आए भारत, उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री से भी यही उम्मीद करते हैं जो मेरे बेटा को वापस ले आए। मामला यही, हमारी बेटी जो है अढ़ाई साल से अभी वहाँ यूक्रेन में मेडिकल की तैयारी करने के लिए गई थी, अभी तो जस्ट वहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ है उनके हॉस्टल के पीछे, और वो सभी छात्रा जो है छात्र बंकर में है अभी, उसके पास मात्र दो तीन दिन के खाने पीने का सामान बचा हुआ है, सभी सहमे हुए भी हैं। और हम तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार से गुजारिश करेंगे जो हमारे इस बच्ची को या छात्र जो भी है 50-60 के बीच जो छात्र छात्राएं हैं कि बंकर में रहते हैं उसको सलामत वापस लाया जाए। मतलब अभी उसके उससे बात हुई है आपके? अभी व्हाट्सएप से उनसे हम बात किए हैं, पूरा वो लोग डरे हुए हैं और सभी यही बता रहे हैं जो मात्र हमारे पास दो तीन रोज का भोजन बचा हुआ है, पानी का भी दिक्कत है, और हम लोग के पीछे तुरंत जस्ट बमबारी हुआ है, हम लोग तो पूरा डरे हुए हैं, इसलिए हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे जो कुशल हमारी बेटी को या यहाँ के जो भी हमारे भारत के बिहार के जो भी छात्र छात्राएं हैं उसको लाया जाए। हम तो बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से यही आग्रह करेंगे जो लाया जाए।